करना पड़ता है। गवर्नमेंट जैसे निकालेगी तो आपको लाइसेंस मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। अच्छा, अप्लाई से कुछ नहीं होगा। तो कुछ किसान कोशिश भी करते होंगे सिफारिश वगैरह लगा के लाइसेंस लेने के लिए, ऐसा कुछ वगैरह सब करता है, पर केंद्र सरकार के हाथ में है, इससे कुछ नहीं होता, वो देगा लाइसेंस तो ही मिलेगा। तो ही मिलेगा। हाँ, अगर उससे कम हो जाए, उससे कम हो जाएगा तो अपना लाइसेंस कटेगा। अच्छा, लाइसेंस कट जाएगा। हाँ, गवर्नमेंट लाइसेंस कट जाएगा। फिर मौसम खराब होना, ये होना, बहुत आपदा है अफीम के अंदर। हाँ, कोई बीमारी वगैरह लगी, बीमारी तो बहुत आती है इसके अंदर। हाँ, केमिकल का बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है। तो जैसे आपके बुजुर्गों ने पहले लाइसेंस लिया तो उसकी कोई फीस दी थी उन्होंने? नहीं नहीं, कोई फीस नहीं दी थी, गवर्नमेंट ने शैक्षिक रूप से दिया था। अच्छा, शैक्षिक रूप से दिए। तो अपने अफीम नहीं आएगी। अच्छा, उसके लिए स्प्रे, हाई स्प्रे करना पड़ता है। हाई स्प्रे कर। ये कितने समय बाद आती है ये बीमारी? मेरे हिसाब से 90 से 95 दिन, 90 से 95 के बाद। हाँ, यानी जब पौधा इतना बड़ा हो जाएगा ना। हाँ, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, उसके हिसाब से लाइसेंस मिलता है। साढ़े सात किलो होनी चाहिए। हाँ, तो कोई मिलावट करके इसको पूरा कर दे? नहीं 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 होता है, मिलावट करेंगे तो वहाँ पे चोरी पकड़ी जाती है। अच्छा, गवर्नमेंट के पास सब है सर। अच्छा, तो ए बी सी जो ग्रेड है। हाँ, तो इन ग्रेडों का लाइसेंस तो नहीं कैंसिल होगा? फोर्थ ग्रेड तक लाइसेंस कैंसिल नहीं होता। फोर्थ ग्रेड में आपका लाइसेंस कैंसिल होने का चांस रहता है। किसान इसके आदि हो गए, नशेड़ी हो गए, ऐसा कुछ है? हमारे इधर तो कोई किसान ऐसा नहीं है। अच्छा, जिसकी इसकी आदत लगी हो? नहीं, हमने तो अभी तक नहीं देखा ऐसा कोई लत लगना, आदि होना। अच्छा, आखिर किवें हुंदी है अफीम दी खेती? की इस दी खेती करन नाल चमक जांदी है किसान दी किस्मत? किवें मिलदा है इस दा लाइसेंस? तमाम सवालों के जवाब जानने लई असीं पहुंचे हाँ देश के उस खेत्र विच जिथे हुंदी है कानूनी रूप विच अफीम दी खेती। अफीम दी खेती देश के 3 सूबिआं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश अते राजस्थान के कुछ चोणवे खेत्र विच ही कीती जांदी है। राजस्थान का जिला प्रतापगढ़ की तहसील छोटी सादड़ी अफीम की खेती लई मशहूर है। इस खेत्र विच केंद्र सरकार की सख्त निगरानी हेठ इस दी खेती की जाती है। तुहानू जान के हैरानी होगी कि सिर्फ चोणवे किसानों नू ही अफीम की खेती करन दी मंजूरी है। इन्हां किसानों विचों ही एक किसान अनिल पारिक है। पिछलियां 3 पीढ़ियां तो उसका परिवार अफीम की खेती कर रहा है। पारिक ने द खालस टीवी नाल अफीम की खेती बारे वो सारी जानकारी सांझी की है जिहड़ी शायद ही तुसी किते पढ़ी सुनी या देखी होवेगी। अफीम की खेती है, ये खेती करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है? जी सर। तो वो लाइसेंस के लिए क्या करना पड़ता है? गवर्नमेंट लाइसेंस देती है। लाइसेंस गवर्नमेंट देती है अपने को। हाँ जी। तो वो उसके लिए क्या अप्लाई करना पड़ता है? नहीं, अप्लाई नहीं करना पड़ता है, गवर्नमेंट जैसे निकालेगी तो आपको लाइसेंस मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। अच्छा, अप्लाई से कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो ये गवर्नमेंट कब निकालती है ये लाइसेंस? हमारे इधर सन 2001 के बाद अभी तक कोई नया लाइसेंस का नहीं निकला है। अच्छा, किसानों को नया नहीं मिला है अभी तक कोई लाइसेंस। अच्छा अच्छा, तो आप तो फिर पहले से ही करते होंगे इसकी खेती? पुराना है हमारा, 3 पीढ़ी से चल रहा है काम। अच्छा, 3 पीढ़ी से कर रहे हैं? हाँ, हमारे दादाजी करते थे, पापा कर रहे हैं और हम कर रहे हैं। आप कर रहे हो? हाँ, पुराने तो, लाइसेंस है। अच्छा, पुराने लाइसेंस, यानी आज की डेट में किसी नए किसान को इसका लाइसेंस नहीं मिला? नहीं मिल रहा है, नया लाइसेंस नहीं मिल रहा है किसी भी किसान। किसी के मिलता है, तो इसकी क्या वजह है, नया क्यों नहीं मिलता है?
गवर्नमेंट को इसी माल से पूर्ति हो रहा है, जितना लाइसेंस है उसी पूर्ति हो रहा है, तो फिर नया लाइसेंस दे के क्या करेगा गवर्नमेंट। हाँ, तो कुछ किसान कोशिश भी करते होंगे सिफारिश वगैरह लगा के लाइसेंस लेने के लिए, ऐसा कुछ वगैरह सब करता है, पर केंद्र सरकार के हाथ में है, इससे कुछ नहीं होता, वो देगा लाइसेंस तो ही मिलेगा, तो ही मिलेगा। हाँ, तो जो आपको लाइसेंस मिला है ये पुराने आपके जो बुजुर्ग थे? हाँ, पुराने बुजुर्ग थे, उस टाइम से चल रहे हैं, उस टाइम चल रहे। तो आज की आज के समय में आप कितने जो लाइसेंस मिलता है तो ये कितने एरिया का मिलता है? एक किसान को हमारे पास 10 आरी का लाइसेंस है। 10? हाँ, 10 आरी, आधा बीघा का एक किसान को। हाँ, एक किसान को। एक किसान मतलब एक फैमिली? नहीं, एक आदमी। एक आदमी? हाँ। अच्छा, जैसे एक फैमिली में दो भाई हैं, तीन भाई हैं। हाँ। तो ऐसा भी है कि उनके नाम पे जमीन होगा तो उनको पुराना टाइम से मिला हुआ है, अभी नया कुछ नहीं है गवर्नमेंट का। अच्छा, जिसके नाम पर जमीन है उसको आधा बीघा? आधा बीघा, यानी आज के समय में आप आधे बीघे में खेती कर रहे हो? खेती कर रहे हैं। अच्छा, तो आपके भाई जो है और भी कोई कर रहा है आपकी खेती? नहीं, पापा कर रहे हैं खेती, पापा के नाम पे लाइसेंस है। पापा के नाम पे लाइसेंस, तो आधा बीघा में करते हैं। तो मुझे लाइसेंस के बारे में आपने बता दिया है कि ये पहले से मिला हुआ है ना, तो लाइसेंस को लाइसेंस को रिन्यू भी करना पड़ता होगा ना हर साल? तो गवर्नमेंट को बराबर औसत देंगे तो लाइसेंस मिलेगा, बाकी तो गवर्नमेंट कट कर देगा इसको। अच्छा, तो गवर्नमेंट का कोई उपज होती है जो वो तय की होती है कि इतनी उपज होनी चाहिए? हाँ, गवर्नमेंट की उपज तय है। अच्छा, वो कितनी होती है आधे बीघे की? आधे बीघे पे 7.5 किलो। 7.5 किलो? अच्छा, 7.5 केजी। 7.5 केजी, यानी 7.5 केजी गवर्नमेंट की को देना रहता है। तो अगर उससे कम हो जाए? उससे कम हो जाएगा तो अपना लाइसेंस कटेगा। अच्छा, लाइसेंस कट जाएगा? हाँ, गवर्नमेंट लाइसेंस कट जाएगा, फिर वापस नई प्रक्रिया में कभी आ गया कम औसत में तो मिल जाएगा। अच्छा, ऐसा है गवर्नमेंट का नियम। तो अगर उससे ज्यादा हो जाए? उससे ज्यादा हो जाएगा तो गवर्नमेंट को ही देना है। तो और भी कोई वजह होती है कि कैंसिल होने के लाइसेंस के? कैंसिल होने के तो बहुत है, जैसे प्राकृतिक नुकसान है, प्राकृतिक आपदा है, मौसम का है, मौसम खराब होना, ये होना बहुत आपदा है अफीम के अंदर। कोई बीमारी वगैरह लगी? बीमारी तो बहुत आती है इसके अंदर, केमिकल का बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है, तो वो तो फर्टिलाइजर। हाँ, तो वो तो फिर सरकार देखती होगी, सरकार को पता ही होगा कि इस बार जो है मौसम की मार है तो फसल कम है, तो उससे जो शर्तें हैं उनमें वो रिलैक्स दे देती होगी कुछ। शर्त कोई किसान की शर्त नहीं है? नहीं, सरकार की शर्त है किसान को बस। नहीं, अगर मौसम की मार पड़ जाती है या कोई बीमारी पड़ जाती है, ओलावृष्टि हो गया, वो हो गया, तो वो गवर्नमेंट को पता ही रहता है, पता रहता है। जैसा प्राकृतिक जैसे अफीम नहीं आई तो वो गवर्नमेंट को थोड़ी अपने चीरा लगा दिया, माल देना है। हाँ जी, ऐसा है। अच्छा, तो जैसे आपके बुजुर्गों ने पहले लाइसेंस लिया तो उसकी कोई फीस दी थी उन्होंने? नहीं नहीं, कोई फीस नहीं दी थी, गवर्नमेंट ने शैक्षिक रूप से दिया था। अच्छा, शैक्षिक रूप से दिए। तो जैसे ये छोटी सादड़ी एरिया है तो इसमें कितने फार्मर होंगे? जो इसके हिसाब से लगभग 5 से 6 हजार फार्मर होने चाहिए इस एरिया में, छोटी साड़ी तहसील में। अच्छा, तो ये राजस्थान का मेन एरिया आ जाता है। आप मुझे ये बताइए कि इसकी बुआई किस समय शुरू होती है बुवाई? जैसे अपना बुवाई समझो आप, अपन नवरात्रि के अंदर बुवाई कर सकते हैं, नवरात्रि से दीपावली के बीच में बुवाई होती है इसकी, यानी अक्टूबर। हाँ, अक्टूबर 21 अक्टूबर से बुवाई हो जाती है। बुवाई हो जाती है आधे बीघे में, बुवाई हो जाती है। तो उसमें बीज कहाँ से मिलता है? बीज तो जैसे हमारे पास डोड़ा है, इसके अंदर से हम बीज निकालते हैं, वो रख लेते हैं। हाँ, वो रख लेते हैं। अच्छा, तो बीज निकाल लेते हैं। तो ऐसा भी है कि अच्छी क्वालिटी का कोई बीज मिलता हो तो वो भी ले लेते हैं आप? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें से अच्छा क्वालिटी का जो डोड़ा होता है, जैसे इसने 2 चीर दे रखी 3 चीर दे रखी, वो डोड़ा निकाल के उसका बीज निकाल लेते हैं, अच्छा बड़ी साइज का डोड़ा दे के उसका बीज निकालते हैं। जी जी, यस निकालता है, इसके अंदर से वो बीज के रूप में होता है। ऐसा भी मैंने सुना था कि भी कुछ अच्छी क्वालिटी के बीज होते हैं वो भी ले सकता है किसान, ऐसा कुछ ऐसा होता है ना, किसी अच्छा क्वालिटी का बीज है, किसी किसान से परचेजिंग कर सकता है ना किसान ने। अच्छा, कसका से? अच्छा, बुआई कैसे होती है इसकी? बुआई सर 2 से 3 बार हकई जुताई करनी पड़ती है, देसी गाय का गोबर वोबर डाल के पूरा कंप्लीट करके बीज 10 आरी के अंदर 2 के 1.5 केजी बीज लग जाता है। लग जाता है आधे बीघे में 1.5 केजी बीज लग जाता है। हाँ।
तो उससे पहले दो तीन बार जुताई करते हैं। दो तीन बार जुताई करके रोटावेटर लगा के सब कंप्लीट करके पानी फिर जुताई करके बीज देसी खाद डालते हो? हाँ देसी खाद डालते हैं। अच्छा, एक से दो ट्राली। अच्छा, तो उसके बाद आगे क्या प्रक्रिया होती है इसकी? फिर बुवाई के बाद? बुवाई के बाद पिलाई चलती रहती है। जैसे खाद बीज अंग्रेजी खाद डीएपी है, यूरिया है, पोटास है, ये देते रहते हैं, चलता रहता है। तो आधे बीघे में कितनी खाद पड़ जाती है? मेरे हिसाब से बुवाई की टाइम में एक कट्टा डीएपी चल जाता है 50 kg एक बुवाई के समय। हाँ, और बीज उपचारित वगैरह ये सब कुछ करना पड़ता है। जी जी, उससे कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, बुवाई होने के बाद 45 दिन 40 दिन के आसपास निंदाई खुड़ाई करनी पड़ता है इसका। निंदाई खुड़ाई करके कंप्लीट करके वापिस निंदाई खुड़ाई मतलब पानी तो हर 8 दिन में देना पड़ता है। 8 दिन में गुड़ाई करनी पड़ती है। बायो से गुड़ाई करती है, जैसे ये पेड़ है पास उगा, इधर उगा, ये उगा, पास पास पेड़ उगा, तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा। एक बाई जैसे 7 से 8 इंच के रूप में पेड़ रखना पड़ता है। जो लेबर आती है वो रखती है इस पेड़ को। हाँ, जैसे हमारे वहाँ तो निदीन कहते हैं जो लेबर के जरिए उसको उखाड़ते हो? लेबर के जरिए उखाड़ते हैं। उखाड़ते हैं उसका। तो जैसे अपना पेड़ है के बीच में भी पेड़ होगा तो वो पेड़ निकालेगा, फिर उसकी पूरा पेड़ प्रकृति के रूप से अच्छा नहीं बनेगा। ये पेड़ है ये रह गया, हल्का पेड़ बन गया। हाँ, दूर दूरी पे होगा तो अच्छा पेड़ बनेगा। अच्छा, दूरी पे होगा तो अच्छा। जैसे 6 से 7 इंची दूरी पे होगा तो पेड़ और अच्छा बनेगा। मैंने यह देखा है कि यहाँ जो आपकी फसल है काफी अच्छी दिख रही है। मैंने और भी यहाँ देखा है कि आपकी अच्छी दिख रही है काफी फसल। तो ये आपकी जो मेहनत है, जो एक्सपीरियंस है, वो दिख रहा है इसमें। तो जैसे आपने बताया कि बुआई होगी, बुआई के बाद खाद डल गई इसमें। हाँ, उसके बाद क्या? पिलाई चलती रहती है, जैसे अपना शुरू में दवाई छिड़के रहनी रहती है, जैसे 25 दिन के आसपास M45 छिड़के रहते हैं। फिर उसके बाद 60 दिन के आस M45 है, जैसे ये है मेलोडी है वगैरह, ऐसे दवाई रोगोर है, छिड़काव चलता रहता है। अच्छा, क्या दवाई का हर 10 से 15 दिन के अंदर दवाई का छिड़काव करना पड़ता है और पिलाई के अंदर खाद देना पड़ता है जमीन में। अच्छा, 15 दिन के बाद इस पे स्प्रे करनी पड़ती है? हर 15 दिन में एक स्प्रे चाहिए इसको। अच्छा, जैसे कोई बीमारी है, फंगस आ गया है। नहीं मतलब कितने दिनों के बाद, बुआई के कितने दिनों बाद स्प्रे शुरू हो जाती है? बुआई के मेरे हिसाब से 35 से 40 दिन के बाद स्प्रे शुरू हो जाता है। तो 35-40 दिन के बाद कितना बड़ा पौधा हो जाता है? मेरे हिसाब से आप बोनोगे तो 4 से 5 इंच का पौधा हो जाएगा। अच्छा अच्छा, यानी इतना सा हो जाएगा ना? इतना वो वैसा हो जाएगा। हाँ, इतना सा हो जाएगा, 4-5 इंच का। तो तब से ये स्प्रे शुरू हो जाती है? हाँ सर, तब से स्प्रे शुरू हो जाता है। अच्छा, तो जो स्प्रे है, स्प्रे किसकी किसकी होती है? मतलब जैसे इसमें काली मच्छी का प्रकोप ज्यादा रहता है। काली मच्छी? हाँ, ये काली मच्छी। काली मच्छी, हाँ, इसका प्रकोप ज्यादा रहता है। इसका ये कुछ कीड़ा है? नहीं नहीं, ये प्राकृतिक बीमारी है। प्राकृतिक बीमारी है? ये अंदर से शुरू हो जाती है? नहीं, ये ऐसा कालापन हो जाता है। कालापन है, अंदर से ही हो जाता है अंदर। काली मच्छी का 2 से 3 बार स्प्रे करना पड़ता है, 4 बार स्प्रे होना होता है। अच्छा, जब 4 इंच का हो जाए पौधा, उसके बाद शुरू हो जाता है। 120 दिन में फसल होते है, उसके बीच में इसमें 3 से 4 बार स्प्रे होता है काली मच्छी का। हाँ, और वैसे ही गर्मी लगता है और सफेद मच्छी का प्रकोप चालू हो जाता है। जी जी जी, सफेद मच्छी का इसमें 2 से 3 स्प्रे करना पड़ता है हर। वो सफेद मच्छी अलग है वो? हाँ, सफेद मच्छी अलग है, उससे अफीम आता नहीं है, डोड़ा लूज हो जाता है। अच्छा, वो तो नहीं दिखेगी हमें सफेद मच्छी यहाँ पर ना उसके अंदर? कौन सी है ये सफेद मच्छी? ये जैसे ये है ब्लाइड है, ये ऐसे ब्लाइड है। अच्छा, ये वाली ऐसे ब्लाइड है, ये आप देख सकते हैं? ये नहीं, ये दवाई है, ये दवाई है। मसी जैसे अपन ऐसे हाथ घुमाएंगे, ब्लैक कलर पेंट पहनेंगे तो ऐसा अपना हाथ व्हाइट हो जाएगा पूरा। अच्छा, ये व्हाइट हो जाएगा। ये देखो, ये सफेद मसी। अच्छा, ये जैसे अपन ब्लैक पेंट पहन के अफीम के अंदर घूमेंगे तो पूरा अपना पेंट ब्लैक हो जाएगा। अच्छा, वो सफेद मच्छी है, उसका सफेद मच्छी करना पड़ता है। इसमें दो मेन आ जाती है हमारी, सफेद मच्छी और काली मच्छी। काली मच्छी दो आएगा, दोनों की स्प्रे। खांकरिया रोग। खांकरिया? हाँ, जैसे ये पत्ता सूखना, ये रोग, ये तो एंड में आता है। जैसे ये आ जाएगा तो अपने अफीम नहीं आएगी। अच्छा, उसके लिए स्प्रे, हाई स्प्रे करना पड़ता है। हाई स्प्रे कर। ये कितने समय बाद आती है ये बीमारी? मेरे हिसाब से 90 से 95 दिन के बाद। यानी जब पौधा इतना बड़ा हो जाएगा ना, अपना डोड़ा आने लगेगा उस टाइम पे, ऐसा डोड़ा आने लगेगा उस टाइम पे हो जाएगा। अच्छा, इसकी कितनी स्प्रे होती है फिर? इसकी मेरे हिसाब से 2 स्प्रे होती है। इसकी 2 स्प्रे होती है। अच्छा, यानी मेन 3 होगी ना ये? हाँ, 2 स्प्रे। हाँ, 3 स्प्रे
इसके अपना अलग अलग तरह का स्प्रे होता रहता है, जैसे बीमारी है अपने शरीर में है जैसे बीमारी है, बालक को बड़ा करो और इसको बड़ा करो बराबर। 45 दिन की अफीम होगी ना, इस पे चल जाएगा दवाई, हल्की दवाई चलेगी 45 से 60 दिन के बीच में जी जी, उसके बाद 60 दिन के बाद फिर एक दवाई स्प्रे होगा, फिर 90 दिन के बाद एक स्प्रे होगा, मतलब 4 स्प्रे दवाई होंगे मेन, सफेद मच्छी काली मच्छी सबके चलेंगे। हाँ जी, ये रोग आएगा तो इसकी दवाई अलग होगी। हाँ जी, यानी मेन तो तीन है ना जो, हाँ मेन तीन है, तीन है, मसी काली मसी और खाखरिया रोग, खाखरिया रोग मेन। हाँ, इसके अलावा भी कोई और रहता है मतलब? नहीं, किसी और चीज का डर नहीं, नहीं, फिर तो प्राकृतिक के ऊपर है, प्रकृति जैसे शीतलहर चल गई, शीतलहर चल गई तो डोडे जल जाएंगे, और जमीन से भी रोग बहुत होता है इसके अंदर, जमीन के अंदर से जमीन का कीड़ा लग जाता है, जड़ वगैरह सब खराब हो जाता है, तना सड़न वगैरह सब चलता है इसके अंदर, अलग अलग तरह के जमीन में भी बहुत दवाई देनी पड़ती है। अच्छा, जमीन में देनी पड़ती है। हाँ, जमीन का भी रोग चलता है इसके अंदर। अच्छा, उसका उसकी कौन सी, उसके लिए सल्फर देना पड़ता है। अच्छा, सफेद मसी जमीन से न उठे, काली मसी के लिए भी कुछ हर चीज चलाना पड़ता है। अच्छा, तो खाद वगैरह जमीन में देना पड़ता है, वो तो पहले ही देना पड़ेगा ना? नहीं, जैसे फसल बीच में भी देना पड़ेगा, बीच में देना। मौसम का क्या रहता है? जैसे मौसम तो ओलावृष्टि हो गया, बारिश हो गया, कुछ हो गया तो किसान को हानि तो रहता ही है ना। और जैसे प्राकृतिक के ऊपर है, जो भी अपना का कार्य अपन कर रहे हैं, प्राकृतिक अगर कोई रोग हो गया वगैरह तो अफीम के चीरा नहीं लगाया तो गवर्नमेंट को देखिए पट्टा भी कैंसिल हो सकता है। मौसम कितना टेम्परेचर इसको चाहिए, कम से कम और ज्यादा सर कितने टेम्परेचर तापमान चाहिए इसको? 25-30 डिग्री तापमान चाहिए इसको, गर्मी ज्यादा नहीं चाहिए, 35 ज्यादा लास्ट। हाँ, 35 ज्यादा। तुड़ाई होगी अभी मार्च में शुरू, मार्च में शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जैसे हम आधे बीघे की खर्चे की बात करें, लागत की, तो कितनी लागत आ जाती है सारी टोटल मिलाकर? कैसे आधा बीघा का जो खर्चा है आपकी, उसको लागत कहते हैं ना? लागत जैसे आधे बीघे में दवाई खर्चा हो जाता है 70-80 हजार, दवाइयां 70-80 हजार। उसके अलावा? उसके अलावा तो खर्चा लेबर वगैरह लगता ही रहता है, इतना मोटा मोटी खर्चा तो ज्यादा ही हो जाता है। लेबर का कितना होगा मतलब मोटा मोटा बात? सबसे शुरू से लास्ट तक इसमें लेबर चल जाता है हमारा 150-200 लेबर, 150-200 आधे बीघे में। हाँ, निंदई खुदई लुवई चिराई सब करके। अच्छा, 120 दिन के अंदर जब इसकी प्रोडक्शन होती है, तो प्रोडक्शन मार्च में शुरू हो जाती है इसकी पैदावार, है ना, उपज, तो कितने समय तक चलती है ये? ज्यादा से ज्यादा 10-15 या 20 दिन। 10-15-20 दिन। हाँ, लुई चीरे का काम। तो इसका कोई क्या प्रोसेस क्या रहता है, इसकी प्रक्रिया क्या रहती है? चीरा लगता है दिन में, तो चीरा लगता है और सुबह लूने का काम चलता है। अच्छा, दिन में चीरा लगाते हैं? हाँ, 12 से 5 तक चीरा लगाने का काम चलता है, और सुबह 6 से 9 बजे तक लूने का काम चलता है, लूने का काम करता है। मुखिया है हमारा गांव का, मुखिया है, उसके वहाँ पे डेली तोल लिखाना पड़ता है। अच्छा, वो आपको लगने आके सेकेंड डे वापिस सुबह लू के उसको वजन लिखाना पड़ता है कितना। अच्छा, वजन आया वो सरकार ने बनाया होता है मुखिया? हाँ, बनाया हुआ है, सरकार का रजिस्टर है, सरकार ने बनाया हुआ है। हाँ, मुखिया उसको, वो आपको शाम को वो बता देते कि आज इतने दिन में इतनी प्रोडक्शन हुई है। अच्छा, तो ये 15-20 दिन चलता है, तो हर रोज जो रोजाना आधे बीघे में लेबर कितनी लगी होगी, कितने बंदे? जैसे हमारे चीरा लगाने वाले 5 आदमी आते हैं डेली, सुबह लूने के लिए 10 आदमी आते हैं, यानी 15 आदमी रोज इसमें लगते हैं 15-20 दिन। तो ठीक है, तो जैसे इसके बाद जब आपका प्रोडक्शन इकट्ठा हो जाता है सारा, तो उसके बाद क्या होता है? उसके प्रोडक्शन इकट्ठा होने के बाद गवर्नमेंट हमारे को तारीख देता है, उस तारीख को हमारे को तौल केंद्र पे अफीम लेके जाना पड़ता है। अच्छा, तो कहाँ पर जाना पड़ता है? हमारा छोटी सादड़ी। छोटी सादड़ी यहीं पर ही? हाँ, छोटी सादड़ी तौल केंद्र है, वहाँ पे अफीम लेके जाना पड़ता है। अच्छा, वहाँ से वो अधिकारी आते हैं? हाँ, वो इकट्ठा करते हैं। हाँ, इकट्ठा नहीं, उनको अफीम तौल करके वो ले लेते हैं, फिर उनके हिसाब से हमारे को ग्रेड मिलता है। अच्छा, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। अच्छा, उसके हिसाब से लाइसेंस मिलता है। अच्छा, रेट भी उस हिसाब से मिलता होगा? हाँ, रेट भी उसी हिसाब से मिलता है। अच्छा, उसी हिसाब से तय होता है कि आपको अगले साल इसका लाइसेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आपने औसत अच्छा नहीं दिया तो आपको लाइसेंस नहीं भी मिलेगा। वाटर मिस हो गया, कुछ भी हो गया तो गवर्नमेंट लाइसेंस कट हो जाए, औसत नहीं दिया तो आपका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। अच्छा, तो ऐसा भी कुछ रहता है कि वैसे
किसानों के पूछने का सवाल है, जैसे आपने बताया कि 7.5 किलो होनी चाहिए, तो कोई मिलावट करके इसको पूरा कर दे? नहीं 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 होता है, मिलावट करेंगे तो वहाँ पे चोरी पकड़ी जाती है। गवर्नमेंट के पास सब है सर। अच्छा, तो ये भी होता है। तो आप किस आपसी वो कर लेते होंगे तालमेल, अगर किसी कम निकलती हो थोड़ा मोटा आपसे, किसी की ज्यादा निकलती होगी तो एक दूसरे का? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है ठीक है। वो तो काश्तकार 100% अगर परिपक्व होगा तो उसमें चीरा लगाएगा, बाकी नहीं लगाएगा, एप्लीकेशन दे देगा गवर्नमेंट को। हाँ जी। अगर हमारे पेटे के अंदर हम 100% परिपक्व होंगे, हमारे को पूरा होगा क्या इसमें औसत हो जाएगा, तो हम चीरा लगाएंगे, बाकी नहीं लगाएंगे। बाकी नहीं लगाएंगे? हाँ, चीरा नहीं लगाएंगे, गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दे देंगे। पैसे फिर कैसे मिलते हैं, कितनी कीमत कितनी है गवर्नमेंट की? जैसे 1500 से, मेरे हिसाब से लगभग 1500 से 3500-2500 रुपए किलो तक का गवर्नमेंट का इसका पेमेंट है हमारे को। ग्रेड के जैसे एक ग्रेड है, एक ग्रेड में फर्स्ट ग्रेड में पास हुआ तो उसका 3500 है, बीरी ग्रेड में हुआ तो 2500 है, थर्ड ग्रेड में हुआ तो ये है, वाटर मिक्स हुआ तो रेट है वो। हाँ। जिस हिसाब से ग्रेड है उस हिसाब से रेट है हमारा जी। तो ए बी सी जो ग्रेड है, हाँ। तो इन ग्रेडों का लाइसेंस तो नहीं कैंसिल होगा? फोर्थ ग्रेड तक लाइसेंस कैंसिल नहीं होता, फोर्थ ग्रेड में आपका लाइसेंस कैंसिल होने का चांस रहता है। रहता है। तो जैसे ये 7.5 किलो के हिसाब अगर बेचते हैं आधा बीघे की, तो खर्चा तो आपने बहुत बता दिया है, तो इस हिसाब से तो इनकम कम हुई? इनकम हमारे को कसकस मिल जाता ना अंदर से। अच्छा, कसकस का रेट अच्छा है, कसकस मिल तो आधे बीघे से कितने खसखस निकलती है? वैसे 80-90 किलो कसकस निकल जाता है। 80-90 किलो आधे बीघे। तो क्या भाव रहता है इसका? ये अभी है मेरे हिसाब से 1,00,000 रुपए क्विंटल चल रहा है कसकस। अच्छा, 1,00,000 रुपए क्विंटल चल रहा है। तो एक वहाँ से इनकम होगी, तो उधर से होगी, और भी कोई जरिया है? नहीं नहीं, और भी कोई जरिया नहीं है। अच्छा, तो जैसे पहले ये डोडे हैं इसकी, हाँ, ये भी ये गवर्नमेंट लेती थी पहले, अब नहीं लेती। अब नहीं लेती है, अब फिर इसको नष्ट कर देते हैं गवर्नमेंट? हाँ, नष्ट तो करती है, अभी तो नहीं किए, 2 साल से अब करने का है। नष्ट करेगी गवर्नमेंट तो, क्योंकि इसका अभी तो भाव है ना, मार्केट चल रही है इसकी भी, वो भी पोस्त कहते हैं उसको, है ना, तो वो भी बैन है? हाँ, बैन है, गवर्नमेंट की तरफ सब बैन है। अच्छा, वो बैन है, यानी दो ही तरीके हैं आपसे ये इससे इनकम के। हाँ। एक तो खसखस, हाँ, और एक अफीम। हाँ। तो उससे लागत निकाल कर आपको कितनी आधे बीघे से बढ़ जाती ये है? तो पुराने टाइम से लाइसेंस चल रहे हैं, जो चल रहे हैं आज के समय में, आपको कितनी इनकम हो जाती होगी आधे बीघे से लागत निकाल कर? ज्यादा नहीं बचता है, मोटा मोटी टोटल खर्चा करके बच जाता है 30-35-40 हजार। अच्छा, ज्यादा नहीं बचता है। ऐसे हमारे पंजाब में धारणा है कि शायद इससे बहुत कमाई हो जाएगी, मोटी कमाई हो जाएगी, से नहीं लगता किसान है। जैसे पहले गवर्नमेंट डोडा चूरा लेता था। हाँ। तो उससे हमारे को इनकम हो जाती थी। अच्छा, उससे हो जाती, उनसे बच जाता था, ये बचा था, बाकी आज की मूल में कोई ऐसा विशेष बड़ा मेरे को नहीं लगता है। अच्छा, पहले कितना बचा था? पहले प्राकृतिक रोग बहुत कम थे, केमिकल का यूज ज्यादा कम था, अभी बहुत ज्यादा होने के कारण ऐसा कुछ नहीं है, बस वो पुराने टाइम के लाइसेंस चल रहे हैं, इनको रोक के रखना है, बस वो है। अच्छा, पुराने टाइम से चल रहे हैं, ठीक है। तो जब पहले इसकी बिक्री होती थी डोडे की, तो काफी इनकम हो जाती उस समय? गवर्नमेंट का बिल था 120 रुपए किलो गवर्नमेंट खरीदती थी। अच्छा, तो उससे अच्छा हो जाता था। अच्छा, 120 रुपए। आधे बीघे से कितने किलो निकल जाती तब? ये मेरे हिसाब से 5 किलो आरी के आस, 3-4 किलो आरी का निकलता है डोड़ा चूरा, खसखस से कम निकलता है, बहुत खसखस कम निकलता है। तो अब तो फिर आप इसे वो कर देते होगे, नष्ट कर देते होगे? हाँ, नष्ट, क्योंकि सरकार कहती है कि इसे नष्ट करना है ना, कि नहीं पकड़ती थी चालू कर दिया, उसमें चीरा वगैरह कुछ नहीं लगेगा, CPSC कहते हैं उसको। हाँ, इसे पूरा डोड़ा ले जाएगा। अच्छा, पूरा गवर्नमेंट ले जाएगा? हाँ, पूरा पौधे समेत गवर्नमेंट ले जाएगा। अच्छा, ये कहाँ पर होता है? ये हमारे यहाँ पे है ना, वो लाइसेंस है। अच्छा, ये भी लाइसेंस मिलता है पूरा? नहीं, पहले जैसे हमने औसत कम दिया तो उसके हिसाब से वो CPS कर दिया गवर्नमेंट ने लाइसेंस। अच्छा। हाँ। जिसका औसत कम निकला उसको CPS कर दिया? हाँ, हाँ। अच्छा, तो CPS करने के बाद उनको तो ज्यादा प्रॉफिट होता होगा? हाँ, CPS। हाँ, नहीं, गवर्नमेंट वो उनके पास प्रगति कुछ भी है उससे करता रहेगा, गवर्नमेंट को देना रहता है हमारे को तो डोड़ा। हाँ। पूरा डोड़ा, पूरा कसकस निकाल के डोड़ा दे देते है। हाँ। 6 इंच डंडी के अंदर। अच्छा, कसकस निकाल के डोड़ा दे देते हैं, तो CPS कहते हैं उसको? CPS कहते हैं। हाँ। तो वो फिर उसमें इनकम ज्यादा हो जाती है ना?
उसमें गवर्नमेंट पैसा दे देती, वो बच जाता है सूखा। हाँ। खाद बीज दवाई का प्रकोप कम रहता है उसमें, खाद दवाई वगैरह कम छिड़काव रहता है, खर्चा कम आता है, लेबर कम रहती है। हाँ, लेबर नहीं लगती, लेबर नहीं लगती। यानी उसमें तो फिर ये फीम तो नहीं निकालते उसमें, है ना? फीम ये नहीं निकालते, ये सारा ले लेती है ना, इतना इतना खुद ही ले लेती गवर्नमेंट। ठीक है, तो वो कुछ किसानों के पास है वो लाइसेंस CPS? हाँ, बहुत कम किसानों के पास है, बहुत कम किसानों। तो उसका आपको लगता है कि अगर वो हो तो इनकम ज्यादा हो सकती? दोनों सही है किसानों के लिए। अच्छा, दोनों औसत के हिसाब से गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट करेगा वो सही है जी, औसत के हिसाब से गवर्नमेंट करेगा, अधिकारी करते हैं वो सही है। अच्छा, औसत के हिसाब से। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो किसान इसकी खेती करेंगे कि शायद वो बहुत अमीर हो जाएंगे, गाड़ी हो जाएगी, बंगला हो जाएगा? मेरे को तो ऐसा नहीं लगता है सर। ऐसे किसान है जहाँ पर किसान, क्योंकि आप तो बहुत पुश्तों से कर रहे हैं, ऐसा कुछ है कि जहाँ किसान जो इनकी खेती कर रहे हैं बहुत अमीर हो गए हों, पहले गरीब थे? मेरे को ऐसा नहीं लगता है कोई ज्यादा अमीर हो गया इससे। अच्छा, इससे अच्छा तो हर इसकी जितनी इतनी इसके अंदर मेहनत करता है उसी हर फसल के अंदर मेहनत करेगा तो वैसे अमर हो जाएगा। अच्छा, वैसे हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो किसान इसकी खेती कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि वो बहुत अमीर हो गए या बहुत ज़्यादा इससे कमाई होती होगी। ऐसे आपने सरकार से डिमांड नहीं की कि इसका भाव बढ़ना चाहिए थोड़े इनकम? मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को इसका भाव 50,000 रुपए किलो किसान को करना चाहिए, तो किसान को कुछ चीज का फायदा मिलेगा और गवर्नमेंट को और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा। कम से कम 25,000-30,000 रुपए किलो गवर्नमेंट को किसान का भाव करना चाहिए इसका। वही है, गवर्नमेंट को अभी जो ये यूज हो रही है वो मेडिसिन पर्पज के लिए हो रही है, है ना? दवाई बनाने के लिए हो रही है जी सर। क्योंकि उसी के लिए जितनी उसको जरूरत है सरकार को उस हिसाब से वो इसकी बुआई कर रही है, करवाते को जितना माल लगता है उतनी बुआई करवाते हैं। बुआई जैसे गवर्नमेंट को ज्यादा माल लगेगा 10 आरी का रकबा कर दिया। गवर्नमेंट को अगर माल का कम जरूरत रहेगा तो 5 से 6 आरी रकबा कर देंगे, इसका आधा रकबा कर देंगे। अच्छा, पहले ज्यादा होता था ना किसी समय? अगले साल 6 आरी का ही रकबा था हमारे पास। अच्छा, पिछले साल 6 आरी का थे, इस बार गवर्नमेंट को माल का जरूरत है तो उसका रकबा बढ़ा दिया, 6 आरी कर दिया। अच्छा अच्छा, 10 आरी कर दिया। हाँ। 6 आरी की जगह। तो पहले मैंने सुना था कि 1 एकड़ तक भी था ना? हाँ था, एक समय था। हाँ, 30-40 आरी तक अफीम था, 50 आरी तक भी था। अच्छा। हाँ, जैसे सन 2016-17 में 50 आरी तक की बुई थी गवर्नमेंट सबके पास। जो किसान इसकी खेती की डिमांड कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप? जैसे गवर्नमेंट अगर आपको लाइसेंस देता है तो अच्छा है, ले लेना चाहिए, वही करना चाहिए, फसल है, किसानी फसल है, करना चाहिए। अगर किसान फसल वही नहीं करेगा तो कौन करेगा? खेती अगर किसान नहीं करेगा तो गवर्नमेंट को लाइसेंस देना चाहिए सबको, किसानों को। अच्छा, तो जैसे आपने ये बताया कि और भी फसलें होती हैं, तो ये भी हो सकता है कि और फसलें हैं वो इससे ज्यादा इनकम दे रही हूँ यहाँ पर? नहीं, तो होता है ना ऐसा, बहुत है, लहसुन है, गेहूं है, कौन सा भी है। हम जैसे इतना मेहनत इसके अंदर करते हैं, सबके अंदर मेहनत करेंगे तो सब फसल अच्छा बेनिफिट देगी। लोगों में शायद ये धारणा है कि राजस्थान में जो अफीम है वो खुले रूप में बिकती है, है ना? उसकी दुकानें हैं, कोई भी इसे खरीद सकता है, ले सकता है, या पोस्ट है वो मिल जाती है कानूनी रूप से, ऐसा कुछ है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। पोस्ट दाना जो तो है वो खुले में बिकता है। हाँ। डोड़ा चूरा अफीम खसखस बिकता है? खसखस बिकता है क्या? क्या? अच्छा, तो अफीम हो या पोस्ट हो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर बिकने? ऐसा कुछ नहीं है खुले में। अच्छा, तो एक बात और मैं पूछना चाहूँगा कि जो रह गई थी, एक ऐसा लगता है कि अफीम की खेती होगी इसका मतलब ये है कि लोग अफीमची हो जाएंगे, नशे के आदि हो जाएंगे, क्योंकि आप तो पिछले पुश्तों से बुजुर्ग आपके कर रहे हैं खेती, तो ये मेन इलाका है छोटी सादड़ी मेन इलाका है, यहाँ पर ऐसा कुछ है कि यहाँ पर खेती होती है बड़े लेवल पर किसान कर रहे हैं कि किसान इसके आदि हो गए, नशेड़ी हो गए, ऐसा कुछ है?
हमारे इधर तो कोई किसान ऐसा नहीं है। अच्छा, जिसकी इसकी आदत लगी हो? नहीं, हमने तो अभी तक नहीं देखा है ऐसा कोई लत लगना आदि होना। अच्छा, किसान को नहीं देखा है। अच्छा, हाँ, ये भी एक बड़ी बात आपने कही कि शायद लगता है कि जे अगर खेती आम हो जाएगी इससे जो उस इलाके में लोग नशेड़ी हो जाएंगे, ज़्यादा इसका सेवन करने लगेंगे, आदि हो जाएंगे जैसे दारू के। तो सर कोई आदि नहीं है इसका, अफीम खाना वगैरह इसका कोई नहीं है। पैदावारी है, बस खेती है, गवर्नमेंट का लाइसेंस है। हाँ। उससे कर रहे, काश का कर रहे, बाकी कोई खाने वाला पैदा करने वाला इधर नहीं है। अच्छा, वैसे आप यहाँ के लोगों की धारणा कैसे रहती है इसके प्रति, ये अच्छी चीज है या खाने चाहिए या लेनी चाहिए, ऐसा कुछ सोचते हैं या पहले से ले रहे हूँ? मेरे को ऐसा कोई ध्यान में नहीं है, कोई अफीम खा रहा है, ले रहा है, काम में यूज कर रहा है, ऐसा अपने को कोई ध्यान नहीं है। अफीम की खेती देश का इको एक अजही खेती है जेड़ी खेती बाड़ी विभाग की नहीं बल्कि देश के वित्त मंत्रालय अधीन आती है। राजस्थान के अफीम की खेती करने वाले किसान शाही किसान कहा जाता है। इसकी खेती करने वाला किसान होरना फसलों के मुकाबले वधेरे आमदन ले रहा है। इन्ना ही नहीं, एक अफीम की खेती का इलाका होने के बावजूद इस इलाके के लोग इस दे आदि नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट हरविंदर के नाल मैं सुखविंदर सिंह, छोटी सादड़ी, राजस्थान।